गाइस, आज हम आ चुके हैं ये चौका घाट, बनारस के चौका घाट पर। यहाँ पर हम लोग वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, तो आइए दिखाते हैं हम किस तरह का, मतलब किस तरह वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। ये वॉल पेंटिंग इसी तरह होता है। ये हमारे भैया हैं सिने वे स्कल्पचर के, और ये देखिए इनका वॉल पेंटिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरती बना रहे हैं और हम लोग भी बना रहे हैं। और इनका एक कलर्स देखिए, ये हमारे सीनियर भैया हैं स्कल्पचर के। और देखिए यहाँ से वो देखिए कोने तक, मंदिर के कोने तक जितना सब और हुआ है, ये भैया लोग हमें लोग मिलकर किए हैं इसका, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको थोड़ा सा नज़दीक से एक एक चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारे सीनियर भैया मेरे पास आउट, और ये देखिए कलर, और पेंटिंग को हम थोड़ा सा दिखाते चले आपको। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। रोड पर ऐसे लोग आ जा रहे हैं और काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट भी हो रही है, बट मज़ा आ रहा है बहुत भैया लोगों के साथ काम करने में। तो आप भी अगर इस चीज़ से जुड़े हैं तो आप ज़रूर एक बार ये चीज़ ट्राई कीजिए, और इसका नज़ारा और इसका मज़ा भी एक बार देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये चीज़ हम आपको देख लीजिए एक एक चीज़ करके दिखा रहे हैं। देखिए ये सारा का सारा घाट से रिलेटेड है, और यही चीज़ बनाना था इस पर, बस यहाँ तक आ चुके हैं। और हम थोड़ा सा बचा है और उसको पूरा दिखाने के बाद हम थोड़ा सा आपको ये चीज़ दूर से दिखाएंगे कि किस तरह दिख रहा है ये। देखिए लमसम लमसम मेरा ख़त्म ही हो चुका है, और यहाँ पर देखिए ये चीज़ हो गई है। अब देख लीजिए यही कितना बेहतरीन लग रहा है। हम थोड़ा सा इसे दूर से दिखाते हैं आपको, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बेहतरीन लग रहा है। अभी नीचे थोड़ा सा पानी वगैरह बनाना है, तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। बाकी ये जो बिल्डिंग्स हैं, घाट का नज़ारा है, घाट जो बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही होंगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये पेंटिंग, और ये देख पा रहे हैं कि हम लोग का काम कम्प्लीट हो चुका है। बाकी सारे काम हैं यहाँ पे जो कि हम ही लोगों ने किया है। तो वॉल पेंटिंग करने में काफ़ी सच में मज़ा आया है, तो आप भी कभी आइए, इसके बारे में देखिए, जानिए और काम कीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा। और देखिए ये भैया हैं हमारे आदमी लोग के साथ हम काम कर रहे हैं, और इसको आप देख रहे हैं। वॉल पेंटिंग में बहुत ज़्यादा खास कुछ करना नहीं होता, बस पैचेस देकर निकालना होता है। चीज़ें देख लीजिए आप, आपको हम एक और काम के पास लेके चलते हैं। ये है, ये है, और बाकी वर्क्स हैं उसको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा वर्क है, और ये इसे मैंने किया है पूरा का पूरा है, ये पिलर हमने किया है। तो फिर काफ़ी मज़ा है इस काम करने में। तो हम भी कह रहे हैं कि अगर आप फील्ड से हैं और आप ये काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार वॉल पेंटिंग आइए, इससे आपका आएंगे फ्री होगा।
और काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा और पैसा भी मिलता है, जैसे कि आप अपने कलर ब्रश वगैरह और बाकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो वो चीज़ आप एक बार ज़रूर देखिएगा और आइए काम कीजिए, जिससे कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और नई नई चीज़ों को देखने के मिले। तो और बाकी हम देखिए इसके पीछे लेके चलते हैं, यहाँ देखिए ये एक हमारे सीनियर भैया हैं, उनका वर्क था, उनका ही वर्क है, देखिए आप देख पा रहे हैं, मतलब ऐसे ही काम होता है वॉल पेंटिंग का। बाकी का देखिए यहाँ सभी वॉल पेंटिंग हुआ है, तो बहुत ही किताब समझिए कि एक मतलब बेस जो होता है कि नई नई चीज़ों को सीखने का, तो आप वॉल पेंटिंग से आप अपनी हर चीज़ें सीख पाएंगे। तो आइए हम उस पर्सन से मिलवाते हैं जो कि जिनके साथ हम पूरा अच्छे से काम करते हैं, जो कि हमें समझ नहीं आता क्योंकि भाई हम भी बिगनर्स ही हैं और जिनसे हम सीखते हैं। आइए उनसे बात कराते हैं, करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। और आप ये भी वर्क देख रहे हैं तो ये सब मतलब नॉर्मल है, उतना ज़्यादा हाइपर में काम नहीं किया गया, बस चीज़ों को दिखाया गया है, उतना इस पर हाइपर काम किए नहीं है। और बाकी जो हाइपर काम है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। देखिए हम लोग इतना रिस्क लेकर काम कर रहे थे, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और फिर जो है हम लोग उसी साइड चिपक कर काम करना पड़ रहा था। तो अब देख पा रहे हैं कि दीवार से और गाड़ियों में कितना स्पेस है, तो इतने स्पेस में हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे। तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था। तो देखिए ये सब बस केवल दिखाया गया है, चीज़ों को दर्शाया गया है, ना कि हम इस पर हाइपर काम किए हैं। तो यही चीज़ है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है हमको काम करने में, काफ़ी और मज़ा भी आ रहा था। और आइए हम दिखाते हैं जिनकी बात कर रहे थे, जिन व्यक्ति के जिनके साथ हम काम करते थे, तो वो देखिए यही है, ये हमारे सीनियर भैया हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर, ये इकलौते भैया हैं जो कि हमारे साथ रहते हैं और हम इनके साथ। देख लीजिए जरा भैया, हेलो, क्या स्माइल है यार आपकी। देखिए कलर ब्रश जो भी होता है शाम को धुलना होता है, और ये चीज़ सबसे ज़रूरी होता है काम करने के बाद सामान को व्यवस्थित तरीके से रखना। और वो चीज़ आप भी अपने अंदर लाइए, या तो रूम पर रहें या फिर कहीं बाहर काम कर रहे हैं। तो चलिए आइए भैया से, भैया को देखते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इनसे। हाय भैया, कैसे हैं? मस्त, हालत खराब हो गया करते करते काम। कहाँ हैं, क्या हो गया? बहुत लगे अभी फ्री हुआ है। मजा आया काम करने में आपको? मजा तब आता जब पैसा मिलता है। क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं? पैसा देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा टाइम लगेगा पर देंगे ना? अरे ये तो अच्छी बात है ना, काम किया पैसा भी मिला और सीखने को भी मिला। तो हम तो यही कहेंगे अगर आप इस फील्ड से हैं या ना भी हैं तो आप इन चीज़ को आइए देखिए और सीखिए। और तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगली जगह जब हम भी वॉल पेंटिंग करेंगे तो आपको वो चीज़ें सारी की सारी चीज़ें दिखाएंगे, और आप भी कीजिएगा। तो यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, ये सब रैंडमली बस नॉर्मल दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और यहाँ देखिए किसी दूसरे का वर्क है, तो इस तरह भी वर्क किए जाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा भी आ रहा है। तो अभी ये देखिए हमें प्यार से बुला रहे हैं, गुस्से से बुला रहे हैं, हमको छोटू कगर बुला रहे हैं यार भाई, पूरा के बरसा पूरा। ये देखिए इतने सारे ब्रशेज हैं, बाकी सारे बच्चे हैं थे। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लेकिन ये चीज़ ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, जिससे कि आपको नई चीज़ें सीखने और समझने को मिल जाएं, और वो चीज़ें आप अपने अंदर सीखें और उस पर काम कर सकें। तो भाई आप हालत देख ही रहे हैं, एक पेंटर वाली आर्टिस्ट से पेंटर बन गए, तो आप देख ही रहे हैं हालत।